तो बच्चों, हाइड्रोलिक मशीन्स में जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है हाइड्रोलिक रैम। हाइड्रोलिक रैम क्या होती है? इट इज ए हाइड्रोलिकली ऑपरेटेड पंप विच कैन रेज और लिफ्ट वाटर विदाउट एनी एक्सटर्नल पावर और एनर्जी सोर्स। इसका मतलब क्या है कि एक पंप होता है, खास तरह का पंप है हाइड्रोलिक रैम, जो कि पानी को लिफ्ट कर सकता है बिना किसी बाहरी पावर या एनर्जी के। यानी कि इसको हमें कोई बिजली की सप्लाई नहीं देनी, कोई इंजन नहीं जोड़ना, बाहर से हमने कुछ नहीं जोड़ना, ना कोई सोलर एनर्जी देनी है। यानी कि बिना किसी एनर्जी के ये काम करता है, ऐसा पंप है। ये करता क्या है? व्हेन लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर इज अवेलेबल एट ए स्मॉल हाइट, देन ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ वाटर कैन बी रेज टू ए ग्रेटर हाइट विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोलिक रैम। अब इसमें ये नोट करने वाली बात है, इस पंप की खास बात क्या है? पहले तो बता दी, बिना एक्सटर्नल पावर सोर्स के चलता है। दूसरा ये है कि अगर किसी छोटी हाइट पर बहुत बड़ी मात्रा में पानी अवेलेबल है, तो उसमें से कुछ पानी, कुछ उसमें से कुछ हिस्सा पानी का उससे ज्यादा हाइट तक बिना किसी पावर के, एक्सटर्नल पावर के पहुंचाया जा सकता है। ठीक है, इसकी वर्किंग प्रिंसिपल क्या है? इफेक्ट ऑफ वाटर हैमर। ये पिछले चैप्टर में पढ़ा था ना, वाटर हैमर, याद आया कुछ? तो वाटर हैमर कब क्रिएट होता है? जब हम फ्लोइंग लिक्विड को ऑल ऑफ सडन रोक दें, या वेलोसिटी जो लिक्विड की है उसके हम एकदम से जीरो पे ले आए, तो वाटर हैमर इफेक्ट आता है, यानी कि हाई प्रेशर क्रिएट होता है। ठीक है, तो इस इफेक्ट को हम अपने काम के लिए भी यूज करते हैं। वैसे तो वाटर हैमर जो है एक बुराई है, लेकिन उस बुराई को भी हमने यूज करके हाइड्रोलिक रैम एक पंप बना लिया। ठीक है, इसका इस्तेमाल कहां पर होता है? इस तरह के पंप का हमने तो देखे नहीं है, कहीं लगाया किसी ने घर में ऐसा पंप? नहीं लगा रखा। लेकिन जहां पर ऐसी स्थिति हो कि वहां पर कोई एनर्जी नहीं है, कोई बिजली नहीं गई, रिमोट एरिया है जैसे पहाड़ है, तो वहां पर मान लो बिजली नहीं है, तो वहां पे भी पानी चाहिए, तो वहां पर ये इस्तेमाल हो जाते हैं। ठीक है, इट इज यूज्ड जनरली इन हिली एरियाज वेयर नो इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल एंड रेन वाटर कलेक्टेड एट लोअर हाइट्स आर रेज टू इज रेज टू रिक्वायर्ड हाइट इन स्मॉलर क्वांटिटी। कहने का मतलब ये पहाड़ है, ठीक है, ये पहाड़ है, अब कोई यहाँ पे रहता है और बारिश का पानी यहाँ पे इकट्ठा हुआ है काफी, और इसको यहाँ पर चाहिए, तो ये रैम लगा के बहुत सारे पानी में से थोड़ा सा पानी ज्यादा हाइट तक पहुंचा दे। ठीक है ना, ये मैंने बताया एक पहाड़ है, ये पहाड़ है, इस पे पानी इकट्ठा है और यहाँ पे कोई रहता है, तो उस पानी को यहां तक पहुंचा सकता है बिना किसी बिजली के भी रैम यूज कर। अब इसके कंस्ट्रक्शन और वर्किंग समझ लो। इसके अंदर एक सप्लाई टैंक होता है या रिजर्वायर है। ठीक है, अगर हम अपने पहाड़ पे ना यूज करके कहीं और यूज करें, तो वहां पे एक सप्लाई टैंक, ठीक है, जिसके अंदर लार्ज क्वांटिटी में लिक्विड अवेलेबल है, वहां से एक पाइप जाती है जिसको हम बोलते हैं सप्लाई पाइप। वो पाइप जाती है एक चैम्बर में, जिसको हम बोलते हैं वाल चैम्बर। ठीक है, ये सप्लाई पाइप है और ये सप्लाई टैंक हो गया, और एक वाल्व यहां पे लगा है जिससे हम इसको सप्लाई को बंद या रोक सकते। इस वाल्व चैम्बर में दो वाल्व लगे हुए हैं, V1
और V2। V1 तो है वेस्ट वाल और V2 है डिलीवरी वाल, ठीक है। तो इस तरह से आपको दिखाना है अपोजिट डायरेक्शन में क्लोज या ओपन होंगे। जो डिलीवरी वाल्व है उसके ऊपर एक एयर वेसल लगी हुई है, डिलीवरी वाल्व किस में खुल रहा है, एयर वेसल में। एयर वेसल इसलिए बोल रहे हैं कि इसके अंदर एयर होती है। इस एयर वेसल से एक पाइप गई हुई है, इस पाइप का मान लो डायमीटर डी डी वन है और इसका मेटल की बनी होती है, स्टील की बनी, ठीक है। हाँ सिलेंडर टाइप होता है, जो सिलेंडर होता है ना अपना, उस टाइप का होता है। तो इसका डायमीटर डी वन और इसका डायमीटर डी टू है, तो डी वन इज ग्रेटर देन डी टू, ठीक है। इस पाइप का डाया कम होगा, तो इस पाइप को बोलते हैं डिलीवरी पाइप। तो ये पाइप जो है कहां जा रही है, डिलीवरी टैंक में, इसको बोलते हैं डिलीवरी टैंक। इसके अंदर स्मॉल क्वांटिटी हमने पहुंचानी, ठीक है ना। अब इसमें बहुत सारा पानी हमारे पास एच हाइट पर अवेलेबल है, स्मॉल एच हाइट पर, ठीक है। और इसमें से कुछ पानी हमने इससे बड़ी हाइट पे, कैपिटल एच हाइट पे पहुंचाने, ठीक है। लार्ज क्वांटिटी में से हाँ ये वाल्व से नीचे होगा तो आएगा नहीं पानी। ये वाल्व चैम्बर जो है, ये वाल्व बॉक्स जो लिख रखा है और चैम्बर, ये तो नीचे ही रहेगा, दोनों ही टैंक के नीचे रहेगा, लेकिन ये है कि सप्लाई टैंक से थोड़ी हाइट नीचे होगा और डिलीवरी टैंक से ज्यादा नीचे होगा, समझ गए। इससे देखो इसकी हाइट है स्मॉल एच और इसकी हाइट है कैपिटल एच, ठीक है। तो ये जो है ना, ये वाली चीज जो है इसी को रैम, यही यही रैम है हाइड्रोलिक, इतना सा जो हिस्सा है ये हाइड्रोलिक रैम क्या है, अंदर अभी बताऊंगा ना बेटा, अभी तो कंस्ट्रक्शन भी कंप्लीट नहीं हुई, अभी तो कंस्ट्रक्शन ही बता रहा हूं ना, अभी जो पार्ट्स हैं वो बताए मैंने आपको। तो कौन कौन से पार्ट हो गए इसके अंदर, एक तो सप्लाई टैंक, सप्लाई पाइप, वाल चैम्बर या वाल बॉक्स, उसके बाद V1 और V2, क्या ये वेस्ट वाल्व और डिलीवरी वाल्व, पांचवा हो गया एयर वेसल, छठा हो गया सप्लाई पाइप और सातवां हो गया सप्लाई टैंक। तो इसकी कंस्ट्रक्शन अगर बताओगे तो इसमें ऐसे ही बताना है, भी एक सप्लाई टैंक होता है और वो एक पाइप के थ्रू, सप्लाई पाइप के थ्रू वाल्व चैम्बर से कनेक्टेड है। वाल्व चैम्बर में दो वाल्व होते हैं, एक डिलीवरी वाल्व एक वेस्ट वाल्व। डिलीवरी वाल्व के ऊपर एक एयर वेसल जुड़ा होता है, उस एयर वेसल से एक सप्लाई डिलीवरी पाइप गई हुई है और वो डिलीवरी टैंक के तक गई हुई है। तो ये इसकी कंस्ट्रक्शन है। अब कर रहे हैं बात वर्किंग की। जब हम इस वाल्व को खोल देंगे, ध्यान से समझना भी ये चीज, इस वाल्व को हमने खोल दिया तो जो ये लिक्विड अवेलेबल है यहां पर वो जाना शुरू हो जाएगा वाल्व चैम्बर में, जाएगा कि नहीं जाएगा, ठीक है। इनिशियली क्या होता है कि जो डिलीवरी वाल्व है वो तो बंद है, V1 इज ओपन एंड V2 इज क्लोज्ड, ये लिख देना उसमें, इनिशियली V1 इज ओपन एंड V2 इज क्लोज्ड। तो जब हमने ये वाल्व खोला है, V रेगुलेटिंग वाल्व है ये, तो सप्लाई टैंक से पानी जो है वो कहाँ जाना शुरू हो जाएगा, वाल्व चैम्बर में, ठीक है। तो धीरे 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 वाल्व चैम्बर में पानी है इकट्ठा हो रहा है, हो रहा है।
तो जैसे जैसे पानी इकट्ठा हो रहा है, तो इसमें से जो एयर है वो निकलती रहेगी। वो किससे निकलेगी? वेस्ट वाल्व से निकलेगी ना, क्योंकि अभी डिलीवरी वाल्व बंद है और ये खुला हुआ है, ठीक है। और लेवल बढ़ते 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 ऐसा आएगा जो इस वाल्व के साथ टच हो जाएगा पानी, ठीक है। जैसे ही यहां पर पानी पहुंचेगा, ये वाल्व हो जाएगा बंद एक ऑल ऑफ सडन, समझ रहे हो। नीचे से पानी भरता जा रहा है, तो जैसे इसको टच करेगा वाल्व को, ऐसे है ना ये वाल्व है, जैसे ही पानी यहां टच करेगा तो फोर्स लगा के एकदम से बंद कर देगा इसको, ये समझ लो, ठीक है। अब क्या स्थिति हो गई? डिलीवरी वाल्व पहले ही बंद था और ये वाल्व भी बंद हो गया, अचानक पानी आ रहा है, तो क्या होगा? वाटर एमर क्रिएट होगा कि नहीं होगा? सडन क्लोजर ऑफ द वेस्ट वाल्व विल क्रिएट ए वाटर हैमर इफेक्ट इन द वाल्व चैम्बर, होगा। उससे क्या होगा कि जब वो वाटर हैमर इफेक्ट का मतलब है हाई प्रेशर क्रिएट होगा इस चैम्बर के अंदर, होगा। इतना ज्यादा हो जाएगा कि ये डिलीवरी वाल्व खुल जाएगा। जब इसके अंदर प्रेशर बढ़ेगा, इसके अंदर प्रेशर बढ़ने का है कि ये V1 तो क्लोज हो जाएगा और ये ओपन हो जाएगा, हो जाएगा, क्योंकि डायरेक्शन ऐसी इन दोनों वाल्व की, एक खुलेगा और एक बंद होगा, ठीक है ना। एक तो इस तरह से है और दूसरा ऐसे है, तो जब नीचे से फोर्स लगेगा तो ये बंद होगा और ये ओपन होगा, समझ गए इस चीज को। तो हाई प्रेशर इसके अंदर क्रिएट हुआ, उसकी वजह से ये डिलीवरी वाल्व ओपन हो गया और कुछ लिक्विड जो है इसमें से निकल के वाल्व के थ्रू एयर वेसल में एंटर कर जाएगा, करेगा। अब एयर वेसल में एंटर कर रहा है तो इसके अंदर की एयर जो वो कंप्रेस हो जाएगी, पहले इतने सारे में थी, अब जो ऊपर थोड़े से हिस्से में रह गई, एयर में एयर कंप्रेस हो गई, ठीक है। तो जब तक ये पानी जा रहा है, इसके अंदर जाने से यहां का प्रेशर ड्रॉप होना शुरू हो जाएगा, है ना। जब लिक्विड इसमें चला गया तो पानी का प्रेशर कम हो जाएगा ना इसमें, तो पानी का प्रेशर कम होते ही ये वाल्व भी बंद हो जाएगा, होगा बंद। अब इसके बंद होने से क्या होगा कि एयर जो कंप्रेस हुई थी अब वो एक्सपेंड होने की कोशिश करेगी। एयर को हमने दबा तो दिया लेकिन वो वापस भी तो धकेलने की कोशिश करेगी ना, तो उस एयर के दबाव से ये पानी को, ये वाला रास्ता तो बंद हो गया, वापस तो जा नहीं सकता, तो इस पाइप में घुस जाता वो पानी, ठीक है। तो इस तरह से ये एक साथ हो रहा है ये काम, तो ये एक साइकिल पूरी हो गई। अब दोनों वाल फिर बंद है, फिर पानी का लेवल इसमें बढ़ना शुरू हो जाएगा, फिर यहां तक पानी पहुंचेगा, V1 क्लोज हो जाएगा अचानक। V1 अगर क्लोज हुआ तो वाटर हैमर क्रिएट हो जाएगा, यानी कि हाई प्रेशर क्रिएट होगा, हाई प्रेशर क्रिएट होगा तो V2 ओपन हो जाएगा, V2 ओपन होगा तो कुछ पानी एयर वेसल में चला जाएगा, ठीक है। एयर वेसल में चला गया तो एयर जो कंप्रेस हुई है वो वापस पानी को दबाएगी, पानी को नीचे दबाएगी तो ये वाल्व बंद हो रहा है और फिर वो पानी इस पाइप में जाएगा, तो कुछ कुछ करके पानी इसके अंदर आता रहेगा, बार बार साइकिल चलेगी ना ये, तो पानी इसके अंदर पाइप के अंदर जाता रहेगा, ठीक है। और अल्टीमेटली इस पानी का लेवल जो है पाइप में
बढ़ते बढ़ते इस टैंक तक आ जाएगा, फिर और आएगा, फिर और चला जाएगा, तो धीरे धीरे पानी जो इस टैंक में पहुंच जाएगा। तो यही हम चाहते थे या नहीं? तो इस तरह से ये काम करता है। तो इसको एक्सप्लेन जो है ना, आपने अपनी कहानी बना लेनी है, वो कैसे सप्लाई टैंक से सप्लाई पाइप में गया पानी, जैसे ही वाल्व खोला, देखा ना, वी ओपन किया हमने, ठीक है, उसकी वजह से सप्लाई टैंक से पानी आया सप्लाई पाइप में, सप्लाई पाइप से गया वाल चैम्बर में, वाल बॉक्स में, ठीक है, वाल बॉक्स में V1 और V2 क्लोज हैं, ठीक है। तो जैसे जैसे पानी का लेवल बढ़ा वाल बॉक्स के अंदर, तो V1 क्लोज हो जाएगा सडनली। V1 क्लोज हुआ तो वाटर हैमर क्रिएट हुआ, यानी कि हाई प्रेशर। उस हाई प्रेशर ने क्या किया, फिर V1 ओपन कर दिया। V1 ओपन से क्या हुआ, वाटर किसमें चला गया, एयर वेसल में। एयर वेसल में जाने के बाद V1 क्लोज हो जाएगा और एयर जो है दबाएगी किसको, पानी को। तो वो पानी जाएगा किसमें, डिलीवरी पाइप में। डिलीवरी पाइप से किसे जाएगा, डिलीवरी टैंक में। तो ये साइकिल जो है रिपीट होती रहती है। और स्मॉल क्वांटिटी जो है लिक्विड का वो चला जाता है डिलीवरी टैंक में। तो इसको समझा सकते हो ना इस तरह से। तो इस कहानी में वाटर हैमर का इफेक्ट का जिक्र आना जरूरी है, ठीक है। शुरुआत में ये करना जी, V1 क्लोज है, V1 भी क्लोज है, V2 भी क्लोज है, V को खोला, सप्लाई टैंक से सप्लाई पाइप का पानी जो है वाल चैम्बर में आ गया, ठीक है, वाल चैम्बर में उस टाइम V1 टू V2 दोनों क्लोज है। फिर पानी का लेवल बढ़ा, V1 खुलेगा, सॉरी V1 क्लोज हो जाएगा, उसके बंद होने से वाटर हैमर इफेक्ट आएगा, फिर वो हाई प्रेशर की वजह से वो एयर वेसल में लिक्विड चला जाएगा और वहां पर हवा उसको वापस नीचे दबाएगी तो वो सप्लाई पाइप में चला जाएगा, ठीक है। तो ये साइकिल रिपीट होती रहती है अपने आप ही। इसमें कोई बाहर से ना फोर्स लगा रहा है, ना एनर्जी दे रहा है, ना इलेक्ट्रिसिटी दे रहा है, समझ गए इस बात को। अब इसकी एफिशिएंसी की अगर बात करें रैम की, वैसे तो एफिशिएंसी तो इसकी क्या है, हम इसमें एनर्जी दे ही नहीं रहे, नहीं दे रहे ना एनर्जी कोई, लेकिन फिर भी इसकी एफिशिएंसी निकालते हैं, यानी कि इसका इफेक्टिवनेस है कितना। एफिशिएंसी होती क्या है वैसे, आउटपुट अपॉन इनपुट, यही होती है ना। हेलो, एफिशिएंसी क्या होती है, डिजायर्ड आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट, यही होती है ना। अब इसमें क्या किया हमने, एनर्जी कुछ सप्लाई की है हाइड्रोलिक एनर्जी, और कुछ हाइड्रोलिक एनर्जी हमें मिली है वाल्व उसके रैम से, तो दोनों का रेशियो जो वो एफिशिएंसी है, यानी कि एनर्जी आउटपुट यानी कि एनर्जी सप्लाइड टू द डिलीवरी टैंक, टू द एनर्जी सप्लाइड, यानी कि सप्लाइड बाय द सप्लाई टैंक,
इन दोनों का रेशो जो है वो एफिशिएंसी है। अब एनर्जी सप्लाई कितनी की, सप्लाई टैंक ने, उसका फार्मूला होता है स्पेसिफिक वेट मल्टीप्लाइड बाय रेट ऑफ फ्लो इनटू हाइट हेड अवेलेबल। ठीक है, मान लो ये कैपिटल क्यू रेट ऑफ फ्लो था डिलीवरी सप्लाई पाइप में, और स्पेसिफिक वेट हो गया डब्ल्यू, और एच जितना हाइट हमारी अवेलेबल थी, तो इतनी एनर्जी वो सप्लाई हो रही है। और एनर्जी आउटपुट कितनी है, स्मॉल डब्ल्यू क्यू और एच, यानी कि जो डिलीवरी पाइप उसका, उसमें रेट ऑफ फ्लो मान लो क्यू है, स्मॉल क्यू डिलीवरी पाइप में, और एच जो हाइट, जितनी हाइट तक वो लिक्विड पहुंचा है, तो ये आउटपुट है, ये इनपुट है। तो एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, एच अपॉन क्यू एच, तो ये तो कॉमन हो गया, तो क्यू एच अपॉन क्यू एच, स्मॉल क्यू कैपिटल एच डिवाइडेड बाय कैपिटल क्यू स्मॉल एच। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम ओबिसन एनर्जी एफिशिएंसी। ओबिसन ये साइंटिस्ट का नाम है, उसने निकाली थी ये ओबिसन एफिशिएंसी। एक रैंकिंस एफिशिएंसी भी है, वो क्या कहता है कि जो लिक्विड है एक्चुअल में तो इतने इतनी हाइट पर तो पहले ही अवेलेबल था, वो एक्चुअल में तो इतनी ही हाइट रेंज की है एच माइनस एच, तो वो कहता है कि इसके हिसाब से एफिशिएंसी होनी चाहिए। ये आउटपुट है और ये इनपुट है, ठीक है, तो उसके हिसाब से क्या एफिशिएंसी है, रैंकिन उसके हिसाब से एफिशिएंसी है क्यू इंटू एच माइनस एच डिवाइड बाई क्यू माइनस क्यू इंटू एच। तो ये उसकी, ये आउटपुट है और ये इनपुट है। इतना पानी हमने इतनी हाइट से लिया और इतना पानी इतनी हाइट पे पहुंचा है, ठीक है, तो ये इसकी एफिशिएंसी हो गई। अब इसमें इसके क्वेश्चन है अभी, सेलियंट फीचर्स ऑफ हाइड्रोलिक रैम या एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग हाइड्रोलिक रैम, तो तीन चार पॉइंट आपको पता होना चाहिए, करेक्टरिस्टिक्स, सेलियंट फीचर्स या एडवांटेज। एक तो एडवांटेज है कि कोई एक्सटर्नल सोर्स नहीं चाहिए एनर्जी का, ठीक है, तो रनिंग कॉस्ट इसकी नेग्लिजिबल है, जीरो है, इसमें कोई मूविंग पार्ट नहीं है, केवल वाल्व V1 और V2 है, उनमें कोई खास फॉल्ट आता नहीं है, तो मेंटेनेंस कॉस्ट भी इसकी जीरो है। और इसको हम यूज कर सकते हैं इरिगेशन पर्पस के लिए, नदी में से पानी उठाना है, और रिमोट एरियाज में जहां पर बिजली वगैरह नहीं है, जैसे मैंने आपको बताया हिली रेंज। एक चीज में जो एफिशिएंसी इसकी है वो इस रेशो पे और इस रेशो पे डिपेंड करती है। एल बाई एच क्या है, जो सप्लाई पाइप की जो लेंथ है, ठीक है ना, सप्लाई टैंक से वाल्व चैम्बर तक, वो तो लेंथ हो गई पाइप की, और उसको मैक्सिमम हाइट से डिवाइड कर दे वो रेशो, और दूसरा अवेलेबल हाइट और डिजायर्ड हाइट उनका रेशो, उस पर डिपेंड करती है। तो इसकी एफिशिएंसी 75% तक हो सकती है अगर एल अपॉन एच इज 2.5 और एच अपॉन एच इज 5, अगर ये मेंटेन कर ले हम, तो 75% तक की एफिशिएंसी है। यानी कि कहने का मतलब है कि जो क्यू एच, अगर ये 100 है तो क्यू एच हमें 75 मिल जाएगा, समझ रहे हो, क्वांटिटी ऑफ वाटर फ्रॉम द
सप्लाई टैंक एंड द अवेलेबल हाइट, इनका प्रोडक्ट मान लो 100 है, तो इसी ये प्रोडक्ट हम आउटपुट हमें इतना मिल जाएगा, ठीक है। क्वांटिटी ऑफ लिक्विड इन डिलीवरी पाइप मल्टीप्लाइड बाय द हाइट ऑफ अवेलेबल। इसको समझाने के लिए मैं बताता हूँ आपको। मान लो रेट ऑफ फ्लो है 20 मीटर क्यूब और हाइट अवेलेबल है 5 मीटर, ठीक है। कैपिटल क्यू हो गया ये मान लेते तो 100 हो गया, तो हमें ये 75 मिल सकता है। 75 में क्या होगा कि मान लो हाइट हमारे को मिल जाए 10, ठीक है, और रेट ऑफ फ्लो मिल जाए 7.5, ठीक है, तो ये हमारे को 75 मिल जाए, तो ये एफिशिएंसी इस तरह से मिल सकती है। या हाइट हम 7.5 पे 10 मीटर क्यूब की रेट ऑफ फ्लो ले सकते हैं, तब भी 75। वो डिपेंड करता है कि हमने हाइट ज्यादा रखी है या क्वांटिटी ऑफ लिक्विड फ्लो हमने ज्यादा रखा है। तो ये प्रैक्टिकल चीज समझने की, कुल मिला के इसमें आपको जो याद रखना है वो क्या है, याद रखने वाली चीज हाइड्रोलिक रैम होते क्या है, इसका फंक्शन क्या है, वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। ये सबसे पहले तो आपने ही बताना है। फिर कंस्ट्रक्शन में डायग्राम बनाना है, ठीक है, और वर्किंग में जो मैंने आपको बताया, ठीक है, तो ये चीज आपको सिलसिलेवार आपको बताना है। फिर फार्मूला है एफिशिएंसी का, बता सको तो बता दो, नहीं बता सकते तो छोड़ दो, ठीक है। तो ये हो गया हाइड्रोलिक रैम, तो ये आप कर लेना, इसकी वीडियो भी मैं आपको भेज दूंगा। अब इसमें एक टॉपिक रह गया हाइड्रोलिक डोर क्लोजर, वो और कर लेते हैं साथ के साथ।